हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ज्योमेट्री स्कूल डॉट इन। स्टूडेंट, आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जो आज ही जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 का सिक्स क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की आंसर की आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में आपके 4 पैसेजेस आए थे जिनके हमें यहाँ पर हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हैव यू प्लेड द टग ऑफ वार गेम? इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। आपने कभी टग ऑफ वार देखा है ना, रस्सी खींच गेम होता है, आपने कभी वो खेला है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। टू प्ले टग ऑफ वार यू नीड सम ओपन स्पेस, अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप एंड 2 टीम्स। इस गेम को खेलने के लिए आपको क्या चाहिए? एक ओपन स्पेस, 2 टीम और हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रोप, रस्सी। द गेम विल बी इंटरेस्टिंग ओनली इफ द टीम्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। कब ये गेम आपको इंटरेस्टिंग लगेगा? जब इसमें दोनों टीम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि देखेंगे कि कौन जीतेगा। अगर एक टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो इजिली हार जाएंगे और गेम का सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अ लाइन इज ड्रॉन बिटवीन द 2 टीम्स। दोनों टीम के बीच में क्या कर दी जाती है? एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। द टीम विच गेट पुल्ड एंड इज मेड टू क्रॉस द लाइन इन द मिडल लूजेस द गेम। और जब रस्सी को खींचा जाता है टीम के द्वारा, तो जो टीम उस लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ दूसरी टीम उसको खींच लेती है, वो गेम को क्या कर जाती है? लूज, हार जाती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द टीम शुड होल्ड द एंड ऑफ द रोप। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वहां कुछ क्या बोला जाता है कि एंड पर वो खड़ा हो जिससे कि वो उसको अच्छे से खींच सके। द टीम शुड पुल इन द यूनाइटेड मैनर। और टीम को किस तरह से खींचना होता है? एक यूनाइटेड मैनर से, मिलजुल कर, यूनिटी के साथ, एक साथ। द प्ले एरिया शुड बी क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स। जो एरिया होता है वहां पर कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, वरना वो चुभेंगे और गेम में थोड़ा रुकावट आएगी। अदरवाइज इट कुड कॉज इंजरीज, और इससे आपको चोट लगने का भी डर रहेगा। तो जो आपका पैसेज है वो किसके ऊपर था? टग ऑफ वॉर गेम का। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या होंगे। टग ऑफ वॉर इज ए, टग ऑफ वॉर एक क्या है? युद्ध है। अ रोप एक रस्सी है, एक गेम है या एक फाइट, लड़ाई है। तो व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? टग ऑफ वॉर इज अ गेम। तो यहां पर 61 क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। इन टग ऑफ वॉर वी डू, इस गेम में क्या किया जाता है? बॉक्सिंग, छुपम छुपाई, रोप पुलिंग, रस्सी खींचा जाता है, बैटिंग एंड बॉलिंग या बैटिंग बॉलिंग की जाती है। तो टग ऑफ वॉर में क्या किया जाता है? रस्सी को खींचा जाता है। तो क्वेश्चन 62 का ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। 63 क्वेश्चन, द एंड ऑफ द रोप इज हेल्ड बाय द डैश ऑफ मेंबर ऑफ द टीम। कौन से मेंबर को सबसे एंड का पोर्शन पकड़ना चाहिए? सबसे लंबे टॉलेस्ट, सबसे छोटे शॉर्टेस्ट, या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शक्तिशाली को, या सबसे यंगेस्ट, जो सबसे छोटा हो? नहीं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो। तो यहां पर भी ऑप्शन सी करेक्ट है। द टीम विच इज पुल्ड अक्रॉस द लाइन इन द मिडल इज डैश। जो अक्रॉस द लाइन, लाइन के दूसरी तरफ पहुंच जाती है खींच कर, तो वो क्या हो जाती है? वो टीम हार जाती है। तो द लूजर, वो टीम क्या होती है? लूजर। तो 64 का आंसर है बी। द वर्ड यूनाइटेड मींस, यहां पर जो शब्द पैसेज में आया है यूनाइटेड, उसका क्या मतलब है? टुगेदर एक साथ, फाइट युद्ध करना, पुल खींचना, या विनिंग जीतना। यूनाइटेड मतलब यूनिटी क्या होती है? एक साथ, एकता। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? टुगेदर, एक साथ। तो आपका जो पैसेज बन था उसके यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से यहाँ सही है। तो चलिए देखते हैं पैसेज नंबर 2 का क्या थीम है। देयर आर ओनली 2 सिंपल रूल्स टू फॉलो टू लूज वेट और टू मेंटेन हेल्दी वेट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लूज वेट और आपके हेल्दी बॉडी की। यहाँ पर 2 सिंपल रूल है, अगर आपको वेट लूज करना है, अपनी हेल्थ को, हेल्दी को मेंटेन रखना है। They are eat to a balanced with a less fat and sugar and do exercise more. तो क्या करना होगा? एक balanced diet लेनी होगी जिसमें सारे amount का nutrients हो, जैसे कि उसके अंदर fat और sugar कम हो, and to exercise more, और ज़्यादा से ज़्यादा exercise करनी होगी। You don't have to starve to lose weight. ऐसा नहीं है कि आप starve में भूखा रहें तो आपका वजन कम हो जाएगा। आप weak हो जाएंगे, but ऐसा नहीं है कि आपका वजन कम हो जाएगा। If you eat less sugar, cake, biscuit, eat more fruits and vegetable and drink plenty of water, you will lose weight and be healthier.
अगर आप शुगर कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट कम खाएंगे, केक्स कम खाएंगे, बिस्किट कम खाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल खाएंगे और पानी पिएंगे तो आप अपना वेट लूज कर सकेंगे और हेल्दी भी हो सकेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल और पानी पीना है। गो फॉर अ वॉक और साइकिलिंग एवरी डे, रोज आपको वॉकिंग के लिए जाना है और साइकिलिंग भी करनी चाहिए। बी मोर एक्टिव इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन और प्लेइंग वीडियो गेम, हमें ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। किसके अलावा, सिर्फ सारे दिन टीवी ही नहीं देखना चाहिए और वीडियो गेम ही नहीं खेलना चाहिए। साइकिलिंग के लिए भी जाना है, वॉकिंग के लिए भी जाना है, हेल्दी फूड भी लेना है। तो ये आपका पैसेज था किसके लिए, बी हेल्दी, कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर्स। हाउ कैन वी रिमेन हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, By eating biscuit only, अगर हम सिर्फ बिस्किट खाएं, By doing exercise only, सिर्फ एक्सरसाइज करके, By eating a balanced diet and doing exercise, यहाँ पर सी ऑप्शन अभी तक हमें करेक्ट लग रहा है, बट हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करेंगे, By eating more fruits, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाकर। तो हमारा जो पैसेज के अकॉर्डिंग सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर हमें बैलेंस डाइट भी लेनी है और एक्सरसाइज भी करनी है, हमें दोनों ही चीज पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट डू वी हैव टू ईट मोर टू लूज वेट, हमें वेट लूज करने के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, शुगर और केक्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बिस्किट और शुगर आइटम्स, बिस्किट और फ्रूट। तो क्या खाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 67 का ऑप्शन बी करेक्ट है। What do we have to drink in plenty to remain healthier? इनमें से हमें सबसे ज्यादा क्या पीना चाहिए, कोलास, फ्रूट जूस, वाटर, वेजिटेबल जूस। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को जल्दी फिल्टर करने में हेल्प करता है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। विच इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल, हम सब के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज क्या है, वॉकिंग एंड साइकिलिंग, काइट फ्लाइंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स, वॉचिंग टेलीविजन। तो एक अच्छी एक्सरसाइज क्या है, वॉकिंग एंड साइकिलिंग, हम सबको क्या करना चाहिए, वॉकिंग और साइकिलिंग करनी चाहिए। विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एक्टिव, यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, जो भी आपसे पूछा जाए आप उसे हाईलाइट कर ले। आपसे पूछा गया है अपोजिट, जो वर्ड आपको यहाँ दिया गया है एक्टिव उसका अपोजिट बताना है। तो डल, एक्टिव का अपोजिट डल नहीं होता, एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय और इनएक्टिव मींस निष्क्रिय। तो यहां पर क्या मतलब है इसका अपोजिट, एक्टिव इनएक्टिव इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका पैसेज नंबर 2। चलिए देखते हैं पैसेज 3 में क्या क्वेश्चंस हैं। ऑटम इज द सीजन दैट फॉल्स बिटवीन समर एंड विंटर, ऑटम पतझड़ का मौसम वो मौसम है जो किसके बीच में आता है, समर और विंटर के। समर के बाद विंटर से पहले एक मौसम आता है ऑटम का मौसम, जिसे हम ऑटम सीजन या पतझड़ ऋतु कहते हैं। देयर आर मैनी चेंजेस दैट बिगिन इन दिस ब्यूटिफुल सीजन, इस सीजन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू होते हैं, देखते हैं क्या है वो बदलाव। डेज बिकम शॉर्टर, दिन छोटे हो जाते हैं। लीव्स ऑफ ट्रीज टर्न फ्रॉम ग्रे टू लाइवली रेड, येलो एंड ऑरेंज, हरी हरी पत्तियां किस में बदल जाती है, रेड रेड येलो और ऑरेंज कलर में। इनफैक्ट ट्रीज नीड सनलाइट टू कीप देयर लीव्स ग्रीन, क्योंकि आप जानते हैं पेड़ों की पत्तियां हरी कब तक रहती है, जब तक उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलती है और वो फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। जब दिन छोटे हो जाते हैं तो उन्हें क्या, सनलाइट ज्यादा नहीं मिल पाती, तो पत्तियों का रंग बदलने लगता है। विदाउट सनलाइट लीव्स टर्न पेल, पेल मीन्स येलो, बिना सनलाइट के पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। द ग्रास इज नो लॉन्गर ब्लैंकेटेड विद ड्यू बट विद फ्रोस्ट, यहाँ पर जो ग्रास होती है अब उनके ऊपर ओस की बूंदे नहीं रहती, क्या आ जाता है उनके ऊपर, फ्रोस्ट, कोहरा आ जाता है। तो जो ग्रासेज है वो ड्यू से ना ढक के किससे ढक जाती है, फ्रोस्ट से, क्योंकि सर्दियां आने वाली होती है। ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग एज टेम्परेचर रीच द फ्रीजिंग पॉइंट, हर सुबह क्या होता है, सारी जो ग्रासेज होती है वो ढक जाती है फ्रोस्ट, कोहरे जैसी से बूंदों से, क्योंकि अब क्या टेम्परेचर डाउन होने लगा है क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। एनिमल स्टार्ट स्टोरिंग अप अ फूड सप्लाई टू लास्ट थ्रू द लॉन्ग विंटर मंथ्स, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना स्टोर करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं। दीज चेंजेस अकर एज वी एडजस्ट फ्रॉम द हीट ऑफ द समर टू चिल ऑफ द विंटर, और माना जाता है ये मौसम क्यों आया,
हमें ये इसलिए आया जिससे कि हम एडजस्ट कर सके, इतनी ज्यादा जो अभी हमने गर्मी बर्दाश्त करी है अब हमें सर्दियां आने वाली है बहुत ज्यादा, तो उसमें हम एडजस्ट कर सके। तो पहले एक बीच का मौसम आता है, पतझड़ मौसम। तो आपको पैसेज क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं इसके आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ऑटम अकर्स बिटवीन समर एंड डैश। ऑटम किस किस मौसम के बीच में आता है? समर एंड विंटर के बीच में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस मे अकर ड्यूरिंग ऑटम? ऑटम पतझड़ मौसम के दौरान कौन कौन से बदलाव आते हैं? डेज बिकम शॉर्टर, दिन छोटे हो जाते हैं। यस, हमारे पैसेज में ये बात आई थी, बट ध्यान रखना है कि कभी भी हमें बिना सारे ऑप्शंस पढ़े आंसर नहीं लगाना है, पहले हमें और ऑप्शंस भी चेक करने हैं। इट बिकम वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है? नहीं। डेज बिकम लॉन्गर, ऑटम में लंबे दिन हो जाते हैं? नहीं। देयर इज मोर सनलाइट, और ज्यादा सनलाइट आ जाती है? नहीं। ये तो समर से सारे पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 72 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। लीव्स टर्न पेल ड्यूरिंग ऑटम बिकॉज दे, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं क्यों? डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता, ये गलत है, ऑक्सीजन रहती है। डोंट गेट इनफ सनलाइट, ये हमने पढ़ा था कि दिन छोटे हो जाते हैं तो सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं मिलती। डोंट गेट इनफ वाटर, नहीं, पानी तो हम उन्हें तब भी देते हैं। स्टोर टू मच ऑक्सीजन, वो अपने अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर लेते हैं? नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही करेक्ट है, डोंट गेट इनफ सनलाइट। व्हाट डू एनिमल बिगिन टू डू टू प्रिपेयर फॉर द एंड ऑफ ऑटम? यहाँ पर पतझड़ मौसम के एंड में जानवर क्या करना शुरू कर देते हैं? स्टोर फूड, यस, ये हमने पढ़ा था पैसेज में, वो अब सर्दियों के लिए अपना खाना स्टोर करने लग जाते हैं क्योंकि फिर वो सर्दियों में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ईट लेस, कम खाना शुरू कर देते हैं। शेड फर, अपने फर गिरा देते हैं? नहीं, सर्दियों में तो फर की और ज्यादा नीड होती है। टर्न कलर, अपना रंग बदल लेते हैं, हमने ये पैसेज में कहीं नहीं पढ़ा, हमें अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर मार्क करने हैं। तो वो अपना खाना स्टोर करने लगते हैं। अनदर वर्ड फॉर ब्लैंकेटेड इज, ब्लैंकेट क्या होता है बच्चों? कंबल। तो अपने आप को ढकने के लिए यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, ब्लैंकेटेड। तो आप इसके लिए एक और वर्ड इनमें से क्या चुन सकते हैं? ग्रास, ग्रास को हम ब्लैंकेट नहीं कह सकते, ग्रास से कंबल का कोई यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा। वूलन, ब्लैंकेट का ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि ब्लैंकेटेड अपने आप को ढकना, हमने भी पढ़ा था कि ओस के बूंदों से घास ढक जाती है, अपने आप को ब्लैंकेटेड कर लेती है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन लग रहा है? कवर्ड विद, उससे ढक लेती है, क्योंकि ब्लैंकेट ओढ़ना हमारे कवर करने के काम आता है, तो उससे कवर्ड कर लेती है। तो यहाँ पर 75 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट पैसेज देखते हैं आपका, पैसेज नंबर 4। दीपक वॉज एक्साइटेड, दीपक बहुत ज्यादा उत्साहित था। ही वॉज गोइंग ऑन अ पिकनिक ऑन संडे विद हिज अंकल एंड कजन्स प्रीता एंड रिया। यहाँ पर दीपक एक्साइटेड क्यों था? क्योंकि वो संडे को कहाँ जा रहा था, कहाँ गया था? अपने अंकल और अपनी कजन सिस्टर के साथ पिकनिक मनाने। ही पैक्ड हिज बैकअप विद हिज स्विमिंग किट, स्नैक्स एंड प्लेइंग थिंग्स। उसने अपना जो सारा पैकिंग किया था उसमें क्या क्या रखा? अपनी स्विमिंग किट, स्नैक्स, खाने का सामान और कुछ खेलने की चीजें। दे स्टार्टेड एट 6 AM इन द मॉर्निंग। वो कब जाने की स्टार्ट हुए, कब गए? 6 AM, सुबह 6 बजे। इट वॉज अ लॉन्ग ड्राइव एंड दे रीच द पिकनिक स्पॉट एट 9 AM। वो सुबह 6 बजे चले थे और वो काफी दूर था, जहां उनका पिकनिक स्पॉट था वो वहां 9 बजे पहुंच गए। इट वॉज फार्म हाउस इन अ विलेज, कहाँ गए थे? वो अपने एक फार्म हाउस जो कि गाँव में था। दे वॉकड अराउंड द विलेज टू सी द पैडी फील्ड एंड लर्न हाउ द राइस इज ग्रोन। वो कहाँ पर गए? अपने गाँव में पैडी फील्ड, कहाँ? चावल के खेती देखने। पैडी फील्ड क्या होती है? जहाँ पर चावल उगाया जाता है। उन्होंने देखा कि सीखा कि कैसे राइस उगाए जाते हैं। दे क्लाइम ट्रीज एंड प्लग्ड मैंगोज एंड ग्वावास, वो पेड़ों पर चढ़े, उन्होंने ग्वावा अमरूद और आमों को तोड़ा, प्लग किया। इन द आफ्टरनून दे सेट अंडर अ ट्री एंड हैड लंच, दोपहर में वो एक पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने अपना लंच खाया। When uncle said it was the time to return home, they wanted to stay longer. जब अंकल ने शाम को कहा कि चलो चलने का समय हो गया, बट वो और ज्यादा देर तक रुकना चाहते थे। क्यों? Because they liked the village so much, क्योंकि उन्हें गांव बहुत ज्यादा पसंद था। तो चलिए देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। The word excited means, यहाँ पर excited का क्या मतलब है? तो दीपक was excited, दीपक खुश था, उत्साहित था। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। दीपक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, दीपक बहुत ज्यादा हैप्पी था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन बी, वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी। दीपक एंड हिज कजन, दीपक और उसके कजन ने क्या किया? फेल्ट बोर्ड इन द विलेज, विलेज में वो बोर हो गए।
एंजॉय द पिकनिक, पिकनिक को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, वॉन्टेड टू रिटर्न होम, घर जल्दी से आना चाहते थे, कुड नॉट क्लाइम ट्रीज, पेड़ों पर नहीं चढ़े, वो पेड़ों पर भी चढ़े घर भी नहीं आना चाहते थे, उन्होंने पिकनिक को खूब एंजॉय किया। तो 77 का भी यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट है। दीपक वेंट ऑन अ पिकनिक विद हिज, दीपक किसके साथ पिकनिक पे गया था, अपने पेरेंट्स के साथ, अंकल और कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अपनी बहनों के साथ, तो वो गया था अपने अंकल और अपने कजन्स के साथ। द पिकनिक स्पॉट वाज इन, पिकनिक स्पॉट कहाँ था, कहाँ पहुंचे थे वो 9 बजे, पार्क में, बीच पर, विलेज पर या स्विमिंग पूल, तो वो कहाँ पहुंचे थे, इन अ विलेज, गांव में अपने फार्म हाउस पर। अंकल शोड दीपक हाउ, अंकल ने क्या सिखाया उसको, हाउ वी ईट कैसे हम खाते हैं, हाउ वी स्विम कैसे हम तैरते हैं, हाउ टू ड्राइव कैसे गाड़ी ड्राइव की जाती है, या हाउ राइस इज ग्रोन चावल की खेती कैसे की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 80 का डी। तो स्टूडेंट्स ये आपके 4 पैसेजेस के करेक्ट ऑप्शंस थे। आप हमारी ऐप से डाउनलोड करें, हमारी ऐप को जल्दी से जल्दी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। इस तरह के सॉल्यूशंस आपको हमारी ऐप पर मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।